जब आप एक ऐसा बिजनेस है जो 1000 दिन से कम का है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वैलिडेशन का। वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्या आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह आसान सी डेफिनेशन है वैलिडेशन की। इंग्लिश का शब्द है, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आसान बहुत है। और वैसे भी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में हम बिजनेस को समझाते हैं आसान तरीके से। तो वैलिडेशन अब कितने प्रकार की होनी चाहिए, समझाता हूं आपको। वैलिडेशन 3 प्रकार की होनी चाहिए पहले 1000 दिनों में। आइडिया की वैलिडेशन, कस्टमर की वैलिडेशन और बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन। यानी सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि भाई जिस आइडिया पर मैं काम कर रहा हूँ वो आइडिया एकदम ठीक है। एकदम कन्विक्शन हो जानी चाहिए आपको, एकदम ना कोई भी आके अगर आपको नींद में भी पूछे तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आवाज़ आए कि हाँ यार ये आइडिया एकदम ठीक है। वो कैसे होगा, जब कस्टमर आपको पैसा देना शुरू करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए। जब भी कस्टमर पैसा देगा तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका आइडिया एकदम ठीक है। क्योंकि कस्टमर तभी पैसा देगा जब कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही तो वो पैसा कभी नहीं देगा आपको, राइट। नंबर 2, कस्टमर की वैलिडेशन। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो इनएक्सपीरियंस होते हैं पहले 1000 दिन में, इनफैक्ट एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स भी ये गलती कर जाते हैं पहले 1000 दिन में, वो गलत कस्टमर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गलत कस्टमर यानी उनको लगता है यार वो वाला कस्टमर जो है ना उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो सही कस्टमर है। लेकिन नहीं, आप ना गलत कस्टमर के पीछे टाइम लगाते हो लगाते हो लगाते हो लगाते हो और उसके बाद सही कस्टमर छूट जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पेज पे, आप जैसे लोग आके कमेंट लिखते हैं, सेंड मी द लिंक, मुझे ऐप का लिंक दीजिए, ऐप का लिंक दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक जितने भी लोगों ने मुझसे सेंड मी द लिंक मांगा है हमारे फेसबुक पेज पर आके, करीब 300-400 लोग होंगे। उनमें से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली तुरंत लिंक लेकर तुरंत के तुरंत हमारी MBA प्लस की ऐप डाउनलोड की है और तुरंत के तुरंत पेमेंट करके MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी एक्टिवेट करी है। अब जरा खुद आप मैथमेटिक्स देखिए कि 400 में से या 350-400 में से केवल 2 लोग। इसका मतलब पता है क्या है कि एज अ बिजनेस ओनर, अब जब भी कोई मुझसे कहता है ना कि भाई मुझे लिंक दे दीजिए, मैं बस लिंक दे देता हूँ, एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास चला जाता है, मैं ध्यान नहीं देता। अगर मैं हर एक ऐसे लिंक मांगने वाले पर ध्यान करना शुरू करूंगा तो एक बात पक्की है कि आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आपने देखा कैसे मैंने अपना समय बचा लिया, अपनी अटेंशन बचा ली। अब ये समय और अटेंशन कहाँ लगाऊंगा, उन लोगों पर जो जेन्युइनली कस्टमर्स हैं भाई, राइट। आगे बढ़े हैं, अच्छा।